देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। वर्तमान की मर्यादा है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका राज्यसभा टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। साल 2019 जब बीत रहा था, लोग साल 2020 के स्वागत की तैयारियां कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे। तब शायद खुशियां मनाते लोगों ने उस अकल्पनीय की कल्पना नहीं की होगी जिसे दुनिया आज कोरोना वायरस के नाम से जानती है। चीन के वुहान से निकले इस वायरस ने पूरी दुनिया में ऐसी तबाही मचाई कि आज लगभग 8 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 17.5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। हमारे देश भारत में भी 1 करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं, जबकि लगभग 1.5 लाख लोग अभी तक अपनी ज़िंदगी की जंग इसके चलते हार चुके हैं। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी को केरल में सामने आया। मार्च आते आते तक कोरोना के मामले 500 को पार कर चुके थे। चीन के वुहान से निकला यह वायरस यूरोप के दूसरे देशों खासकर इटली और स्पेन में तबाही मचा रहा था। वहां पर अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ रहे थे मरीजों के लिए। इन सभी हालातों को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च की रात 8 बजे 21 दिन के पहले लॉकडाउन की घोषणा की। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। 3 सप्ताह के पहले लॉकडाउन में जब लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर थे तो उन्हें कोरोना वायरस की भयावहता का एहसास हो गया था। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अब उनकी ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाली है, उन्हें अपने जीने में किस तरह से जीने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आज हम अपने इस खास प्रोग्राम में आपको ये दिखाने वाले हैं कि कोरोना वायरस ने हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को किस तरह प्रभावित किया है, कोरोना वायरस ने किस तरह से हमारे पढ़ने पढ़ाने के तरीके को, हमारे ऑफिस से काम करने के तरीके को, हमारे शॉपिंग करने के तरीके को, हमारे हेल्थ कंसल्टेशन के तरीके को प्रभावित किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल कॉलेज की पढ़ने पढ़ाने की। ये हैं मॉडर्न स्कूल वसंत विहार दिल्ली में हिंदी की टीचर विदिशा अग्रवाल। आठवीं क्लास के बच्चों की हिंदी की क्लास से पहले ये अपनी तैयारी कर रही हैं कि क्या पढ़ाना है, छात्रों को कौन सा प्रोजेक्ट करने के लिए देना है। इसके साथ ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी स्पीड भी चेक कर रही हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है ना, अरविधि चंदानी, आर्यमन जैन, वेरी गुड, आप लोग दिख रहे हैं मुझे। सो अब मेरी नंदना, मेरी आवाज़ अब ठीक है? अभी भी ब्रेक हो रही है बेटा? और डिवाइस चार्ज पे लगाई है, और क्लासरूम में से जैसे हम पानी वानी पीने जाते हैं क्लास शुरू करने से पहले, वैसे डिवाइस चार्ज करनी पड़ेगी ये। हाँ वेरी गुड, यही तो हमारा छोटा सा क्लासरूम, ये स्क्रीन हमारा क्लासरूम भी है, किताब भी है, कॉपी भी है, लाइब्रेरी भी है। सब बच्चे साइकिल भी चलाते होंगे, हम साइकिल का ही पाठ पढ़ रहे हैं। ओके ओके वेरी गुड, समय का प्रतीक है और जैसे आपने कहा नेचर जीवन का भी प्रतीक है,
जीवन का भी प्रतीक है, ओके, आज़ादी का भी प्रतीक है। तो हम देखते हैं कि सब चीज़ का पहिया प्रतीक है, तो यहाँ साइकिल में जो पहिया है, घूमे समय के पहिए संग, तो इसलिए वो कहती है घूमे समय के पहिए संग। अब आपको इसमें क्या करना है, ये तो उन महिलाओं ने गा लिया, अब आपको अपनी कल्पना से इसके आगे की 10 पंक्तियाँ लिखनी है, जो आप लिख पाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है आप लोग काफ़ी क्रिएटिव हो। स्लोगन के साथ चित्र क्यों बनाते हैं, चित्र बनाने से क्या फ़ायदा होगा स्लोगन के साथ? मैम उसको आकर्षित बनाना, लोगों को उससे पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है, उसका चित्र पता चल जाता है, और बाद में जब वो दुकान में जाते हैं तो उनको ये पता लग जाता है कि यही है, और उनको कंफर्म हो जाता है कि यही प्रोडक्ट है, यही उसी की एडवर्टाइजमेंट। ओके, देखा आपने, टीचर भी स्कूल के, छात्र भी स्कूल के, बस बिल्डिंग सिर्फ स्कूल की नहीं है, क्लासरूम नहीं है, लेकिन टीचर पूरी तन्मयता से पढ़ा रही हैं और बच्चे भी मन लगाकर पढ़ रहे हैं। यस, पढ़िए आगे। यस मैम, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूं ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। कुडुकुटाई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। ओके, वेरी गुड। ये विनम्र सवारी भी एक मिनट, जस्ट मिनट, कभी विनम्र सवारी भी आ गया है, जो हमने देखा था साइकिल बोली मुझसे मैं ले सकते हैं, तो विनम्र सवारी हमने पहले, इसीलिए मैंने कहा था पहले मैं प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ, फिर तो आपको आसानी ज़्यादा हो जाएगी। कोरोना ने स्कूल बंद किए, पर एक अदद लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन और इंटरनेट ने पढ़ाई के दूसरे रास्ते खोल दिए। केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया को लेकर जिस दूरदर्शी सोच के साथ पहले ही काम शुरू किया था, उसने इस रास्ते को काफी आसान बनाया। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों तक के स्कूली बच्चों को इसका लाभ मिला, लेकिन परंपरागत स्कूल से डिजिटल स्कूल तक का सफर इतना आसान भी नहीं था। इस रास्ते में कुछ दुश्वारियां भी थी, कुछ चुनौतियां भी थी, पर बीतते वक्त के साथ मुश्किलें आसान होने लगीं। कोरोना के समय अचानक से जो परिवर्तन आए, एजुकेशन में भी आने ही थे, एज टीचर मेरे लिए काफ़ी चुनौतियां भी थी, आने ही थे। मार्च में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के साथ ही 4-5 दिन पहले स्कूल बंद हो गए थे। अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है, उसके लिए कुछ तैयारियां शुरू की गई, कुछ चुनौतियां थी ही निश्चित तौर से, प्रयोग किए गए। जो परिवर्तन या जो हम भी कहें तैयारी, ट्रेनिंग जो हुई, वो ट्रेनिंग चूँकि बंद था तो ट्रेनिंग भी वर्चुअल पर ही होनी थी, ट्रेनिंग भी जाके हम लोगों से डायरेक्ट नहीं ले पा रहे थे, तो सब कुछ वर्चुअल पर, ट्रेनिंग भी वर्चुअल पर और पढ़ाना भी उसके बाद वर्चुअल पर ही है, तो निश्चित तौर से थी दिक्कतें, पर शायद वर्चुअल पर ट्रेनिंग होना अपने आप में अच्छी बात थी, क्योंकि वर्चुअल पर ही फिर काम करना था। अध्यापक के तौर पर मैं कहूँ, टीचर के तौर पर मैं कहूँ, मेरे विषय को लेकर मैं कहूँ, हिंदी विषय है, हिंदी में गैजेट फ्रेंडली हिंदी टीचर्स कम होते हैं पर फिर भी कुल मिला के स्थितियाँ ऐसी बन गई कि हम लोगों ने साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। वैभव बख्शी 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, डीपीएस आरकेपुरम दिल्ली के छात्र हैं, फिलहाल अभी फिजिक्स की क्लास ले रहे हैं। एन ओ टू लोगे बेटा, तो ये देखिए 2 लैम्डा डी बाय, तो बेटा ये सेकंड सेकेंडरी मिनिमम, और बेटा एन को 3 लोगे, तो ये अब जरा देखो बेटा, ध्यान से देखिए मैं क्या कहता हूं, थर्ड सेकेंडरी मिनिमम, चलो इस डायग्राम में दिखाते हैं y1 क्या बेटा, दिस डिस्टेंस इज y। लेकिन इनकी भी पढ़ाई क्लासरूम में नहीं, घर में बैठकर हो रही है, लैपटॉप पर हो रही है। लिखो बेटा, the interference pattern is obtained due to an interaction of waves coming from two different wavefronts. An interference pattern is obtained due to an interaction of waves coming from two different wavefronts. पिछले 10 महीने से स्कूल नहीं गए, स्कूल को मिस तो करते हैं, पर ऑनलाइन क्लास के जरिए ही सही अपने टीचर, क्लास के दोस्तों से जुड़े रहते हैं।
साथ ही कोरोना संक्रमण के खतरे से भी दूर हैं। जब मार्च से जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से क्लास ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हमारे स्कूल बंद है और हमें लगा था कि हमारे स्कूल खुल जाएंगे बट ऐसा नहीं हुआ और समर वेकेशंस के बाद भी हमारे स्कूल खुले नहीं, तो अभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और मतलब वर्चुअली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बट सब काम सही चल रहा है और हमारी हेल्थ भी सेफ़ है और मैं भी सेफ हूँ। मैं घर बैठ के लॉकडाउन के वक्त पढ़ाई कर पा रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बात है। अभिभावकों की सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर रहती है। ऑनलाइन क्लास की वजह से उन्हें इस बात की खुशी है कि उनका बच्चा घर में है, उनका बच्चा सुरक्षित है। कोविड की वजह से जैसे आपको पता है कि स्कूल तो बंद है बट बच्चे पढ़ भी रहे हैं, सारे फैसिलिटीज स्कूल प्रोवाइड करा रहा है उनको और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं घर में, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना रही। टेस्ट भी हो रहे हैं, बोर्ड्स के प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं और सारा काम सर और वो अपने पेपर भी सबमिट कर पा रहे हैं। सब काम जब हो रहे हैं तो हमारा बच्चा ऐसे उसमें बिल्कुल सेफ है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल के बच्चे, शहरों में रहने वाले बच्चे, आर्थिक रूप से सक्षम घरों के बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन की मदद से पढ़ाई जारी रखते रहे, वहीं ग्रामीण इलाकों में स्कूली बच्चे चुनौतियों का सामना कर रहे थे। ऐसे में केंद्र सरकार की इन बच्चों के लिए मदद सामने आई। आइए देखते हैं कि सरकार ने डिजिटल एजुकेशन के लिए क्या क्या किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा का भरपूर इस्तेमाल किया। पीएम ई विद्या जैसी एक व्यापक पहल भी की गई। इस पहल से डिजिटल ऑनलाइन रेडियो की मदद से लगभग 33 करोड़ छात्र छात्राओं को लाभ पहुंचाया जा रहा है। स्वयं प्रभा प्रोग्राम के वीडियो को टीवी चैनलों पर प्रसारित किया जा रहा है। इसके अलावा एनसीईआरटी की दीक्षा, ई पाठशाला और वर्चुअल लैब है। लॉकडाउन में नेशनल ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म की पहुंच 3 गुनी हुई है। महामारी के दौरान सरकारी ऑन एयर शिक्षा चैनल्स को 80 करोड़ से अधिक हिट्स मिल चुके हैं। वन क्लास वन चैनल की एक क्लास को एक चैनल देंगे, स्वयं प्रभा, दीक्षा और पाठशाला, ई पाठशाला के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जहां पर नेट नहीं है और वहां पर जो टीवी है, दूरदर्शन है, उसके माध्यम से कैसे करके उस बच्चे तो रेडियो के माध्यम से और टेलीविजन के माध्यम से कैसे जा सकते हैं, इस पे स्वयं प्रभा के 32 चैनल है हमारे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो टेलीविजन के माध्यम से और सामुदायिक रेडियो के माध्यम से उस बच्चे तक कैसे करके पहुंचा जा सकता है, ये पूरी कोशिश है हमारी। ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक प्रसार भले ही कोरोना के चलते हुआ हो पर इसने पढ़ने के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। सरकार भी इसके महत्व को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया गया है। भारत में ऑनलाइन शिक्षा का बाजार भी बढ़ रहा है। कोरोना के बाद इसके कई गुना बढ़ने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2024 के बीच 21% ग्रोथ के साथ भारत में ऑनलाइन शिक्षा का बाजार $14 अरब से अधिक का हो जाएगा। आपने अभी देखा कि किस तरह से कोरोना वायरस ने हमारे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पर असर डाला है। कोरोना ने जिस दूसरी चीज पर सबसे ज्यादा असर डाला है वो है हमारे दफ्तर से काम करने का तरीका। आईटी सेक्टर में काम करने वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना ने आज वर्क फ्रॉम होम को तमाम नौकरी पेशा लोगों की जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। कैसे, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां फिराते हर्षित गुप्ता फेसबुक पर कोई पोस्ट नहीं लिख रहे हैं, नहीं व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे हैं। हर्षित की नजरें अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन से हट नहीं रही हैं, क्योंकि जिस फाइल पर वो काम कर रहे हैं उसे अगले 1 घंटे में उन्हें अपने बॉस को भेजनी है।
हर्षित का ऑफिस बेंगलोर में है। किस्मत ये रही कि हर्षित लॉकडाउन से सिर्फ एक दिन पहले अपने घर दिल्ली आ गए थे। कोरोना के चलते पिछले 10 महीने में हर्षित कभी अपने ऑफिस नहीं गए, दफ्तर का हर काम घर से ही कर रहे हैं। मैं बैंगलोर में काम करता हूँ फाइनेंशियल सेक्टर में। अराउंड 23 मार्च को हमारे ऑफिस ने एक्चुअली थोड़ा वर्क फ्रॉम होम अलाउ करना शुरू कर दिया था, तो मेरा घर दिल्ली में है, तो 23 मार्च के अराउंड मैं दिल्ली में आ गया था, और मैं तब से 10 महीने अब करीबन हो गए हैं तो मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान ऑफिस तो बंद हुए पर काम नहीं रुका। वर्क फ्रॉम होम कोरोना से जंग लड़ने के एक और हथियार के तौर पर सामने आया। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस में ऑफिसेज को वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की बात कही गई। वर्क फ्रॉम होम के जरिए ही कार्यालयों में फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में सहूलियत हो पाई। बैंगलोर के ऑफिस से भी जब इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे, थोड़ा अपडेट्स मिलने लगे कि शायद कोविड अभी थोड़े टाइम तक रहेगा और कोई ऐसी जल्दी नहीं है कि हम वापस ऑफिस हमें बुलाया जाएगा बैंगलोर में, तो हमने यही डिसाइड किया कि हम थोड़ा इन्वेस्ट करें अपना वर्क फ्रॉम होम सेटअप को स्मूदन आउट करने के लिए। ऑफिस की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उस चक्कर में फिर मैंने थोड़ा सा एक बड़ा मॉनिटर खरीदा, एक इंटरनेट कनेक्शन अपना थोड़ा स्टेबल किया जिससे कि स्मूद आउट हुए। सरकार ने भी वर्क फ्रॉम होम के महत्व को समझते हुए इसे बढ़ावा दिया। केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम नीति को विस्तार देते हुए वर्क फ्रॉम एनीवेयर की पॉलिसी को मंजूरी दी। देखते हैं वर्क फ्रॉम एनीवेयर को लेकर सरकार ने क्या क्या किया। अन्य सेवा प्रदाता यानी OSP दिशा निर्देशों को सरल बनाया गया। OSP यानी अदर सर्विसेज प्रोवाइडरों को अब रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। बैंक गारंटी सरकार के पास रखने की बाध्यता खत्म हो चुकी है। इससे IT BPO उद्योग को बढ़ावा मिला। $40 अरब की BPO इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। BPO इंडस्ट्रीज के लिए कंप्लायंस का जो बर्डन रहता है, भांति भांति के बंधन रहते हैं, सब कुछ कम हो जाएगा। इसके अलावा बैंक गारंटी सहित दूसरी अनेक जरूरतों से भी BPO इंडस्ट्री को मुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसे प्रावधान जो टेक इंडस्ट्री को वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम एनीवेयर जैसी सुविधाओं से जो कानून रोकते थे, उन कानूनों को भी हटा दिया गया है। सरकार के इस कदम से जहां एक तरफ आम नौकरी पेशा लोगों को लाभ हो रहा है, वहीं आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री भी इस कदम से काफी खुश नजर आ रही है। हमारे देश में जब कोरोना का प्रकोप बढ़ा तो तमाम चीजों की तरह अस्पताल भी उनसे अछूते नहीं रह पाए। संक्रमण को रोकने के लिए अस्पतालों की OPD बंद करनी पड़ी ताकि अस्पतालों में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। तो सवाल उठा, जो कोरोना के मरीज नहीं हैं उनका क्या होगा, वो डॉक्टरों की सलाह कैसे लेंगे। तो कहते हैं ना, जब चुनौतियां आती हैं तो समाधान का भी एक रास्ता खुलता है। कैसे, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन की घोषणा होते ही देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स ने घोषणा कर दी कि अब उसकी OPD सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। सिर्फ एम्स ने ही नहीं, तमाम अस्पतालों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए OPD सेवाएं कुछ समय के लिए बंद कर दी। OPD सेवाएं बंद होने के बाद मरीज इलाज के लिए परेशान हो गए। There is a lockdown. Patient cannot come, but the disease will not wait. It will not wait for the lockdown to be over. There are patients who are diabetic, hypertensive, the kidney patients who need their medication, who need their regular dialysis and all that. So whatever requires a must visit to the hospital, they should come.
डॉक्टर के पास जाने में एक तो डर लगता है कि बेटा जहाँ हॉस्पिटल जा रहे हैं वहाँ इन्फेक्शन ना हो जाए, एक तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सारी प्रिकॉशंस के साथ किसी तरह पहुँच भी जाओ तो डॉक्टर देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। सो दिक्कत तो बहुत है पेशेंट को। जहाँ एक तरफ अस्पतालों ने ओपीडी बंद की, वहीं इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों ने भी फेस टू फेस पेशेंट देखना बंद कर दिया। ऐसे में परेशान मरीजों के लिए टेक्नोलॉजी मदद बनकर सामने आई। इसे हम टेलीमेडिसिन के नाम से जानते हैं। टेलीमेडिसिन का मतलब फोन या वीडियो कॉल पर डॉक्टर से स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेना है। It's always not necessary to visit a doctor. Okay, what happens if somebody is taking audio or video consultation? If I feel that patient should be seen by me in person, physical examination required, then I'll tell the patient that you should come. I'll have to examine you. March 2020 में नीति आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन के बारे में गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइन के मुताबिक टेलीमेडिसिन के जरिए सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इलाज कर सकते हैं। टेलीमेडिसिन में डॉक्टर्स वीडियो, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल और ऑडियो कॉल के जरिए लोगों का इलाज कर सकते हैं। इन दिशा निर्देशों ने टेलीमेडिसिन सेक्टर को काफी बढ़ावा दिया है। टेली कंसल्टेशन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है ई संजीवनी। अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज इस पहल के जरिए लाभ उठा चुके हैं। देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस सुविधा का लाभ मिल रहा है। ई संजीवनी ओपीडी में दूर दराज अपने घरों में पड़े रोगियों को प्रशिक्षित डॉक्टरों के जरिए सलाह दी जाती है। इसके लिए 8,000 डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया गया है। औसतन 15,000 मरीज प्रतिदिन इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह आप ये समझ सकते हैं कि कैसे टेलीमेडिसिन कोरोना के सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने में सहायक साबित हुई। ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन कंसल्टेशन अब भविष्य में भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। आपने अभी तक देखा कि किस तरह से कोरोना से लड़ाई में मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारी मददगार साबित हुई है, किस तरह से इंटरनेट, मोबाइल और कंप्यूटर इस लड़ाई में हमारे हथियार साबित हुए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि पिछले कुछ सालों में भारत को डिजिटल दुनिया का अग्रणी देश बनाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि भारत की जो महत्वाकांक्षी योजना डिजिटल इंडिया है, कैसे वो इस परिवर्तन का आधार रही है। हम आपको आगे की राह, यानी कि हाल में लॉन्च की गई महत्वपूर्ण योजना पीएम वाणी के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये भारत में इंटरनेट क्रांति को बदलने वाला है। डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च किए गए इस मुहिम को अब 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना और डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया का अब तक का सफर कैसा रहा? 1 जुलाई 2015 को इसे लॉन्च किया गया। गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाना लक्ष्य था, डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना इसका मकसद, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाना। अब तक 1.5 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े, 3,75,000 से अधिक हैं देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटरों के जरिए लोगों को मिलता है ऑनलाइन सेवाओं का लाभ। पीएम डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अब तक 3,18,00,000 लोगों को दी गई ट्रेनिंग, 2,30,00,000 लोगों को मिल चुका है सर्टिफिकेट। सरकार की तरफ से दी जाने वाली डिजिटल आधार सर्विस, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कॉमन सर्विस सेंटर, डिजी लॉकर, मोबाइल बेस्ड उमंग सर्विस, यूपीआई सर्विस,
आयुष्मान भारत, ई हॉस्पिटल, ई नाम, ई पाठशाला, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, पिछले कुछ सालों में इंटरनेट को गांव-गांव तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि अगले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया जाएगा, हर गांव में इंटरनेट की सुविधा होगी। 6 लाख से अधिक गांव में हजारों लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर का काम चलाया जाएगा और हमने तय किया है 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। भारत में इंटरनेट को आए 25 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। आज भारत में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 75 करोड़ को पार कर चुकी है। इसमें आधे से ज्यादा कनेक्शन पिछले 4 सालों में लिए गए हैं। डिजिटल इंडिया की पहुंच तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया धीरे धीरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आज बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट तक की सुविधा डिजिटली उपलब्ध कराई जा रही है। जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी जैम, डिजी लॉकर्स जैसी सुविधाएं और अब डिजिटल हेल्थ आईडी के लिए प्रयास सामान्य नागरिक का जीवन आसान बनाने के लिए देश एक के बाद एक बहुत तेजी से अनेक कदम बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा पीएम वाणी को अपनी मंजूरी दी है। इसके तहत देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा प्रदान करने का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ऐसी कंपनियों से वाईफाई और ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए किसी तरह का लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे देश भर में सार्वजनिक वाईफाई सेवाओं का बड़ा नेटवर्क तैयार करने में मदद मिलेगी, जो लोगों के लिए रोजगार और आमदनी बढ़ाने का जरिया बनेगा। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी, ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए न कोई लाइसेंस है, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई फी है। पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था, उससे बड़ी क्रांति होगी कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे। मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नया साल आप सबकी, हम सबकी जिंदगी में अपार खुशियां ले आए। जल्दी ही हमें कोरोना महामारी से मुक्ति मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको नए साल की बधाइयां। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टीवी।